हाय जा रहे हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्राई करने, जो कि है जंबो मोमोस, जो मोमोस का भी पापा है। जैसे नॉर्मल मोमोस का साइज इतना होता है, वो इतना बड़ा है ना, जितना बड़ा है, काफी बड़ा साइज है। हाँ, एक प्लेट जितना साइज है उसका। लोगों ने बोला था वहाँ जाने के लिए कि हम वहाँ का जो है जंबो मोमो ट्राई करें और बताएं कि आखिर वो है कैसा। मतलब दिखने में तो वो अच्छा दिखता है, बट खाने में कैसा है वो नहीं पता अभी, कि कैसा है कैसा नहीं है। अब वहाँ अभी हम जा रहे हैं, फिर पता लगेगा। हम जा रहे हैं इंडी मोमो पीतमपुरा में जो है। पटेल नगर वाले मत जाना, वो बंद है, क्योंकि अभी हमने वहाँ कॉल करा था तो उन्होंने कहा कि पटेल नगर वाला टेम्पररी नहीं, परमानेंटली क्लोज हो चुका है। तो अगर जाओगे तो पीतमपुरे वाले में जाना। चीट डे कर रहे हैं अपना। 2 हफ्ते में एक बार ही चीट डे होता है हमारा, लाइक 15 डेज में एक बार ही हम चीट डे करते हैं। बाकी दिन हम नॉर्मल खाना खाते हैं, एकदम नॉर्मल, हेल्दी और अच्छा घर का बना हुआ डाइट का। ये तो डाइट का ही खाता है, मैं तो सिर्फ घर का नॉर्मल सिंपल खाना खाती हूँ। तो आज अच्छे से चीट डे करेंगे। एक मोमोज ही जंबो मोमोज खाएंगे यार। क्या है वो, एक मोमोज के बराबर 10 मोमोज है उसमें। हाँ, वो पूरी एक प्लेट ही है। एक ही प्लेट है वो डायरेक्ट। एक मोमोज के बराबर 10 मोमोज एक प्लेट। शिट, आग लगने वाले हैं। क्या सोच के ही लग रहा है उसको, मन में आ रहा है ना, इतना बड़ा मोमोज तो डर सा लग रहा है खाते हुए। इतना बड़ा मोमोज खाएंगे आज लगने वाले हैं। डाइट की आज होने वाली है। चीट डे नहीं, आज प्रॉपर वो है, जंबो चीट डे। आज जंबो चीट डे। डबल चीज मार्गरिटा, शाही पनीर मोमोज, बटर चिकन मोमोज ही आ रहे हैं भाई। तो वी हैव रीच्ड बटर चिकन मोमोज, सॉरी इग्नोर करो। वी हैव रीच्ड है इंडी मोमो, पर यहाँ पे जो चिकन वाले हैं उसमें आधा घंटा लगेगा, जो वेज वाले उसमें 20 मिनट लगेगा। उन्होंने यार कब से खुला हुआ है, तब भी यार जल्दी कर देते। हम इस चक्कर में लेट आए हैं कि चल वो खोलेगा, वो बनाएगा। तो पागल है क्या? तब तो टाइम लग जाएगा। बट यार इनके पास बहुत सारी चीजें है, वो भी है, चाइनीज भी है यार, पता है मेरे को सब है। एपेटाइजर्स भी है, शेक्स भी है, मॉकटेल्स भी है, शेक्स भी है, मॉकटेल्स भी है। समझ आई ब्रो? ओके ब्रो, अभी वेट करें। अभी तो हमने सिर्फ जम्मू मम्मी मंगवाया है। दम्बो कर यार, पागल हो गए। ओके, तो अभी हमने मंगवाया अपना जंबो चिकन, जंबो चिकन मोमोज और बटर चिकन मोमोज। ये थोड़ा सा अलग है, पता नहीं क्या है ये। बटर चिकन जैसे सब्जी होती है ना, वैसे ही है। और देखने के बाद पता लगेगा। रुमाली रोटी भी तो लिखी थी ना उसके साथ में, तो रुमाली रोटी तो लिखी थी, पर देखने के बाद पता लगेगा ना यार। हाँ, भी देखने के बाद पता लगेगा कि क्या है। शेक्स मंगवाया भाई, शेक्स पे अभी जम के लड़ाई हुई है हमारी, जम के क्या पीना है। मैं वो पीऊंगी, मैं वो पीऊंगा। कैरेमल कोल्ड कॉफी जो मैंने मंगवाई है, जो इसके लिए है, तो जिससे लड़ रहा था, जिस वजह से ये पकड़। अच्छी है, बस मीठा थोड़ा ज्यादा। मीठा तेरे को लग रहा है क्योंकि तू मीठा खाता ही नहीं है। वैसे नहीं है ना, नॉर्मल है। मेरे को भी लगेगा ही नहीं, मैं भी तो मीठा ज्यादा खाती हूँ। किसी और से पूछ लेते। डाली पर इसने बिल्कुल भी। हाँ, बहुत कम बर्फ है। ये है बटर चिकन मोमोज, और जो ग्रेवी है वो बटर चिकन की है, और मोमोज डले हुए हैं इसमें, है ना। हाँ। ये देख, चिकन मोमोज डले हुए और रुमाली दे रखी है साथ। खा के देखूं पहले, ग्रेवी खा के देखता हूँ एक बार। क्या हो गया, गर्म था? मैंने कभी बटर चिकन खाया नहीं। हाँ, क्योंकि ये नॉन वेज नहीं खाते ज्यादा, पर अच्छा है। मतलब ग्रेवी मेरे को ठीक लग रही है,
थिक है, अच्छी है, मेरे लिए भी बचा दी ठीक है ना। कैसी है ये, मतलब कैसा है बटर चिकन? अच्छा है यार, देख मेरे को तो इतना बटर चिकन के बारे में पता नहीं, पर देखने से और वैसे अच्छा लग रहा है। ये ना, अब क्या है? ये मेरा चॉकलेट है, दिखा। ये तो भाई मैं कसम से अपने पापा को ट्राई कराना था। अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी है। चॉकलेट शेक पी के बता। मीठा? बढ़िया। मीठा मीठा है ना ज्यादा? नहीं, दूंगी नहीं मैं अपना। क्यों? अब इसकी शक्ल देख के पता लगी गया होगा कि लगी गया पता कि आखिर क्या आ गया। ये रहा हमारा जंबो मोमोज। ये मेरे लाइक नॉर्मल हाथ से भी जितना मेरा हाथ है ना, ये उतना ही है ना। हाँ, जितना मेरा हाथ है ये उतना ही है। अभी तेरे को ही खाना है भाई, मैं नहीं खा सकता इतना बड़ा। अब हम दोनों खाएंगे ना यार, दोगे मर जाएगा बंदा। सच्ची बताइयो कैसा है? है बहुत अच्छा, पर मेरी फट रही है इस टाइम खाते हुए इसको। क्यों? अब बहुत बड़ा है यार ये, बहुत ज्यादा बड़ा ये है। ये पूरा एक प्लेट के वो है। एक प्लेट? ये कम से कम दो प्लेट का सामान है। तो दो प्लेट इंसान खा नहीं जाता क्या यार? छोटे छोटे तो बंदा खा सकता है, ये तो इतना गर्म है। मोमोज बहुत बढ़िया है, और एक तो जो इसकी बाहर की वो है ना मैदे की परत, वो बहुत पतली है। हाँ, पतली। मतलब और फिलिंग बहुत ज्यादा अंदर। वर्थ द मनी। खा लेगी फिर अकेले? चल बे। आ गए मजे। जो जंबो मोमोज था वो सच्ची में यार एक टेस्टी बहुत था वो, तो जो भी हो ठीक है वो टेस्टी काफी था। और जो बटर चिकन मोमोज है वो तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। वो चॉइस किसकी थी? मेरी। वो मेरी थी ठीक है ना, मेरी थी। यार झूठ मत बोलेगा यार ठीक है, झूठ बोलने वालों से 70 नंबर आता है। ओह माय गॉश, खुद देख दुनिया भर के झूठ बोलता है। अच्छी में घूम गया, वैसे आना चाहिए यहाँ पे ना लोगों को भाई, क्योंकि वहाँ पे ना भीड़ कम थी और कसम से टेस्टी बहुत ज्यादा थे। बहुत बहुत इसके शेक्स भी अच्छे हैं। शेक्स भी बहुत टेस्टी था, शेक बहुत टेस्टी था। कौन सा दिया था हमने? चॉकलेट और कैरेमल कोल्ड कॉफी दिया था, और भी बहुत सारे थे, ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी वनीला एंड ऑल थिंग्स। चाइनीज वगैरह भी है, चाइनीज भी था, भी है कई सारी चाइनीज। एग मोमोज भी थे, एक नई डिश है ये एग मोमोज। एग मोमोज भी थे हर वेराइटी में, फ्राइड, हरियाली, अफगानी, सब कुछ। इंस्टाग्राम पे एक पोल भी डाला था थोड़े टाइम पहले, जिसमें मैंने लिखा था डोलमा आंटी मोमोज या फिर जंबो मोमोज। तो जंबो मोमोज से 70% वोट आए थे ना करीब। हाँ। 70% वोट आए, और जो बाकी आए थे वो डोलमा आंटी की उससे आए थे। बट फिर जब ज़्यादा उसी पे थे तो फिर हम यहीं पे ही आ गए। और मतलब यार अच्छा था, टेस्टी था। हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना इस बात पे के मोमोज थे इनके पास सारे, ट्यूजेट, हरियाली, वेज, अफगानी, तंदूरी, जो भी कुरकुरे, ये सब कुछ थे। और साइज भी काफी बड़ा था ना इनके मोमोज का, मोमोज का साइज। और प्राइस बिल्कुल ठीक था, जो जंबो मोमोज का जो प्राइस है अगर मैं कहूँ तो वो था करीब 200 रुपीज का। चिकन भी और पनीर भी दोनों सेम प्राइस के है, पर बहुत ज्यादा हैवी है। हाँ हैवी बहुत है, मतलब 200 मतलब कम से कम 3 या 2 लोग खा सकते हैं आराम। दो लोग मतलब इनफ है 2 लोगों के लिए। बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा। हाँ, 2 लोग आराम से खा सकते हैं वो जंबो मोमोज है। और बाकी मोमोज बस डर मत जाना खाने से पहले कि उसका साइज देख के डर जाओ। हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा साइज है। जो पूरी एक प्लेट होती है वो पूरी उस एक प्लेट में था वो। हाँ, वो भी छोटी साइज की प्लेट नहीं थी, वो बड़े साइज। हाँ, जो मीडियम साइज की प्लेट होती है उसमें वो पूरा का पूरा था, मीडियम से ही बड़ा। और जब वो जब हम उसको निकाल रहे थे वो गिर भी रहा था और जूसी बहुत था। जूसी बहुत जूसी था, बहुत ज्यादा जूसी था, बहुत टेस्टी था, मजा आ गया कसम से। और चीट भी बहुत गंदी होगी।
चीट मील भी होगी तेरी, तो चीट मील होती है 15 दिन में एक बार होती है, मतलब गुस्सा मत करियो। यू गो एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही जल्दी आएगी, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो, ठीक है, बाय बाय ब्रोस।